तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आखिर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, रिप्रोडक्शन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे कि और न्यू ऑर्गेनिजम्स बन पाएँ। सोचो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैदा नहीं करते तो क्या तुम यहाँ पर बैठ के इस वीडियो को देख पा रहे होते? नहीं देख पा रहे होते, ऑब्वियस सी बात है। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दो टाइप के जनरली हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है अगर जनरली मैं आपसे पूछूं तो? सो आप जवाब दोगे कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इस रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट ही पूरा काम कर रहा होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमें बताए गए हैं बुक के अंदर, उनको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्प्लिट हो गए दो ऑर्गेनिज्म, मतलब दो ऑर्गेनिज्म अलग हो गए इक्वल हाफ्स के अंदर। समझ में आया आपको? मतलब एक पूरा बड़ा सा ऑर्गेनिज्म था, जैसे आप अपने आप को ले लो और आपने अपने आप को खुद से ही बीच से डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स के अंदर, और फिर दोबारा से आपका जो वो दूसरा पार्ट था वो भी ग्रो कर गया और आपका जो पहला पार्ट था वो भी पूरा का पूरा ग्रो कर गया। तो यहाँ पर इसको पूरा समझने के लिए एक डायग्राम देखो आप। तो यहाँ पर एक मैंने आपको डायग्राम दिखाया है जो कि एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो हम लोग देखते हैं, मोस्ट कॉमन जो हमारा फिजन करने का तरीका होता है, दैट इज़ बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा के अंदर। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो डिवीजन हो रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये ज़्यादातर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर होता है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? इररेगुलर हो सकता है, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होगा, तो वो कहीं पर भी इनके बॉडी पार्ट्स के अंदर से हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा बाइनरी फिजन वाला पूरा टॉपिक क्लियर होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन वाला रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो फ्रेगमेंटेशन एक और तरीका है जिस तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा जा सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर दो ही हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका हमने एग्जाम्पल लिया है, एक है स्पायरोगायरा और दूसरा है प्लेनीरिया, जिनको हम लोगों ने देखा है फ्रेगमेंट्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते हुए। सर फ्रेगमेंट्स के अंदर कैसे? अब ऐसे समझ लो जैसे एक पूरा का पूरा प्लेनीरिया था, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर काटा, काटने के बाद हमने इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग जगह पर रख दिया। तो ये जो हेड वाला पार्ट था, ये जो आपको हेड वाला इसका पार्ट दिख रहा है, इससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब इसने हेड ने ही पूरा बाकी का बॉडी का पार्ट ग्रो कर दिया। जो मिडल वाला पार्ट था उससे इसका हेड भी ग्रो हो गया और नीचे का पोर्शन भी ग्रो हो गया। जो नीचे वाला पार्ट था इससे हमारा पूरा का पूरा अपर पार्ट था, जो अपर बॉडी थी वो पूरी की पूरी ग्रो हो गई। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन वाला रिप्रोडक्शन होता है। और एग्जाम्पल क्या था हमारा? स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया। तो यहाँ पर बेसिक अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो ईच पीस विच इज ब्रोकन डाउन गिव्स राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी पीस हम लोग तोड़ते हैं वो एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? बना देता है। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखना है हमें रीजनरेशन के बारे में। तो रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कोई चीज़ दोबारा बन रही है, रीजनरेट हो रही है। रीजनरेट का मतलब बेसिकली यही होता है, इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट। मतलब बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ही बना दिया, कितनी गजब की बात है। तो रीजनरेशन के अंदर सिंपली एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है किसी बॉडी पार्ट से,
अरे सर, ये तो बड़ी गजब की बात है। मतलब ऐसे सोचो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा रीजेनरेशन से मतलब कोई चीज़ दोबारा बन रही है। और ऐसे सोचो जैसे आपका एक हाथ है, उसको मैंने कट करा और दूसरी जगह पर फेंक दिया। अब वो जो आपका हाथ था उससे एक नया ही ऑर्गेनिज्म बन गया आप जैसा ही। और आपका जो हाथ जहाँ से मैंने कट करा था वहाँ पर भी दोबारा आपका एक नया हाथ ग्रो कर गया। ये तो किसी सुपर हीरो वाली ताकत लगती है। अरे है ही सुपर हीरो जैसी ताकत। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो पूरा रीजनरेशन है, इसके अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है एक बॉडी पार्ट से, सिंपली एक बॉडी पार्ट से जिसको या तो हमने कट करा होता है या फिर उसे तोड़ा होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा और प्लेनेरियंस ही हैं इसका भी। तो यहाँ पर यही आपका बेसिक हम जो डायग्राम के थ्रू भी आप समझोगे, और जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि एक बॉडी पार्ट जिसको आपने काटा या तोड़ा, वहाँ पर उसको अलग रख दिया तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया। गजब की एबिलिटी है। तो इसी चीज़ को लेकर साइंटिस्ट स्टडी भी कर रहे हैं। और जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा केमिकल जब वो इंजेक्ट करें जिससे कि उनका जो बॉडी पार्ट है वो पूरा रीजनरेट हो पाए, जैसे किसी का हाथ टूटा हुआ है या फिर हाथ उसका मान लो कट गया किसी भी रीज़न से, किसी एक्सीडेंट के अंदर, तो वो दोबारा ग्रो कर पाए। तो साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं हाइड्रा और प्लेनेरियंस को कि कैसे ये लोग रीजनरेट करते हैं, कैसे इनके पास ये अमेजिंग पावर है। जो हमारा फोर्थ मेथड है, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी करा, अभी तक हमने स्टडी करा है फिजन, बाइनरी फिजन, और फिजन के बारे में स्टडी करा है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन। अब फोर्थ वाला टॉपिक है हमारा बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग के अंदर एक बाहर बर्ड टाइप चीज़ उगने लगती है, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसके बाहर एक बर्ड टाइप चीज़ उगने लगती है। और ये बर्ड जब बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब या फिर इतना बड़ा हो जाता है कि ये बाद में अपने आप को पूरा ग्रो कर पाए, फिर ये अपने आप ही नीचे डी अटैच हो जाता है या फिर नीचे अपने आप ही गिर जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो ऐसा ही सेम होता है। और डी अटैच होकर जब ये नीचे गिरता है तो उसी से हमारा एक नया का नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि अब इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, अब ये खुद ही अपना खाना बना सकता है, खुद ही अपना पानी बना सकता है, और पानी तो बना नहीं सकता, पानी ले सकता है, पी सकता है, तो वो सारी चीज़ें ये कर सकता है, खाना खुद ही खा सकता है ये। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वो भी एक और मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपने क्लास 8 के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स पढ़े होंगे, अगर याद नहीं है तो मैं अभी आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कैसे वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब जैसे कि हमारे जो प्लांट्स वगैरह हो गए, इन सब के अंदर कैसे ग्रो करता है। तो स्टेम से देखा था हमने, रूट से देखा था, लीव से देखा था, जिनको यूज़ करा जाता है एक नया का नया प्लांट बनाने के लिए। तो ज़्यादातर जो हमारे ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि लेयरिंग और कटिंग का मेथड बहुत कॉमन है जिसको यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बनाना हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो ये सब किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर एक लोचा है। लोचा सर, लोचा लोचा क्या हो गया? अच्छा, आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा कि आपको या तो आपके पड़ोसी हो गए या फिर कोई आपके रिश्तेदार बोलते होंगे कि अरे इसकी नाक तो मम्मी जैसी दिखती है, इसके कान तो पापा जैसी दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर आपकी मम्मा की भी क्वालिटी है और आपके पापा की भी क्वालिटी है, फादर की भी क्वालिटी है और मदर की भी क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब रिप्रोडक्शन करा था तभी तो आप रिप्रोड्यूस हुए हो। तो ये तो बात क्लियर है कि तभी आपके पास इन दोनों की क्वालिटीज है, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ देम। अब यहां पर मान लो कि अगर सिर्फ आपके फादर ही आपको रिप्रोड्यूस करते या फिर सिर्फ आपकी मदर ही आपको रिप्रोड्यूस करती, तो क्या आपके अंदर दोनों की क्वालिटी होती? सर नहीं होती, क्योंकि अब तो मतलब फादर का कुछ इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। अगर हम लोग मदर वाले केस में देखें कि अगर मेरे को सिर्फ मेरी मम्मा ही रिप्रोड्यूस कर रही हैं तो फादर का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं उसके अंदर, या फिर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर मदर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो आपके जो ये हमने दोनों केसेस लिए, एक केस के अंदर या तो आपके फादर ही आपको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आपकी मदर ही आपको रिप्रोड्यूस कर रही हैं और दूसरे पेरेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
तो क्या होगा कि आपके अंदर उसी पेरेंट की तो क्वालिटी आएंगी जिसने आपको रिप्रोड्यूस कराया है। तो यही होता है हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। जिस भी प्लांट से हम लोग ग्रो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो सिंपली उसी की क्वालिटी लेता है जो हमारा न्यू प्लांट होता है। सिंपल बात ये है। मान लो यही वाला एग्जाम्पल ले लो कि आपके फादर और मदर वाला, आपके फादर ने आपको रिप्रोड्यूस करा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की ही क्वालिटी होंगी अगर आपकी मदर उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है। कटिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि रूट्स वगैरह को भी हम लोग यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे स्टेम्स हो गई, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं हम लोग। तो जो स्पोर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं इनके ऊपर एक हार्ड और प्रोटेक्टिव कवर होता है। क्यों होता है सर हार्ड और प्रोटेक्टिव कवर? जिससे कि कभी बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, तो उनको ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे। इस वजह से जो इन्वायरमेंट की अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब यही आंधी तूफान बारिश, इनसे वो बच पाएँ। इसी के साथ जो ये स्पोर्स होते हैं ये दूर दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि इतनी हार्ड और प्रोटेक्टिव इनके ऊपर लेयर होती है कि ज़्यादा जल्दी ये ख़राब नहीं होते, तो दूर तक ये ट्रैवल कर पाते हैं और ज़्यादा टाइम तक ये सही से रह पाते हैं, जल्दी ख़राब ये नहीं होते। जैसे ही इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि अच्छा खासा जहाँ पर पानी मिल गया, लैंड मिल गया, धूप है वहाँ पर, और मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें इन्हें मिलने लगी, वहीं पर ये क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल है इनका मॉस और फर्न्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल, मतलब कि टू डिफरेंट पेरेंट्स की क्वालिटीज आती हैं जो भी न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस देखते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन कैसे? मतलब अगर हम लोग कोई फ्रूट है, उस फ्रूट को डेवलप करते हैं, और उसके अंदर मान लो जो मेल वाला पार्ट है और जो फीमेल वाला पार्ट है, उन दोनों के रिप्रोड्यूस करने की वजह से वो फ्रूट बना है, तो उस फ्रूट के अंदर दोनों की ही क्वालिटी होगी। ह्यूमन बींग्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, तो आप ये देखोगे कुछ क्वालिटीज़ आपके पास मम्मा की हैं, कुछ क्वालिटीज़ पापा की हैं, मतलब पापा जितने लंबे हो, मम्मी जैसा आपका फेस है, तो आपके पास क्या है, वेरिएशंस हैं। वेरिएशन है, एक वेरिएशन क्रिएट हो रही है, नया टाइप का पर्सन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरिएशन क्रिएट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। तो इस वजह से जब हम दो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करवाते हैं तो उनसे हमें नए वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेन जो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये हो पाता है, उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जर्म सेल, जिसको हम लोग गैमेट्स भी बोलते हैं, उनकी वजह से ये पूरा प्रोसेस हो पाता है। जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर के अंदर। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है आगे हम लोगों को पता चलेगा। मतलब सिंपल हैप्लॉइड का मतलब अगर हम लोग बिल्कुल सिंपली देखें तो हैप्लॉइड का मतलब ये होता है कि उनके पास हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स वही जो क्वालिटी पेरेंट्स की कंटेन करते हो, वो सारी चीज़ें हाफ होती हैं। तो मतलब अगर मेल वाले पार्ट के हैप्लॉइड्स को देखें तो वहाँ पर उनके पास क्या होगा, हाफ क्वालिटी होगी फादर की, और फीमेल वाले हैप्लॉइड्स के अंदर हाफ क्वालिटी होगी मदर की। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जायोट, और हम लोग ये भी बोलते हैं डिप्लॉइड, मतलब कि इसके अंदर दोनों की क्वालिटी आ गई, हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों मिले और क्या बन गया, डिप्लॉइड, जायोट भी जिसे हम लोग बोलते हैं। जायोट क्या होता है, अंडरगो, मतलब बहुत सारे समय तक रिपीटेड डिवाइड करता रहता है, अपने आप को डेवलप करता रहता है, और इसी तरीके से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर देखते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से चले जाते हैं। लेकिन जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी, ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लांट्स वाला सेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर आएंगे, एनिमल्स के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लावर्स का।
तो जो फ्लावर्स होते हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये एग्नोस्पर्म्स के अंदर फाइंड करा जाता है। फ्लावर जो है वो कंसिस्ट करता है सेपल्स का, पेटल्स का, स्टेमेंस का और पिस्टल्स का। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो फ्लावर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, अगर इसके अंदर या तो स्टेमिन है या फिर पिस्टल है। अगर इसके पास दोनों ही हैं, स्टेमिन भी है पिस्टल भी है, तो उन वाले फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल बोल देते हैं। एग्जाम्पल ज़रूर लर्न कर लेना और आप लोग अभी राइट डाउन कर लेना, जो पपाया और जो वाटरमेलन होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब या तो इनके पास हमें मेल वाला पार्ट देखने को मिलता है या फिर हमें फीमेल वाला, जैसे स्टेमिन देखने को मिलेगा या फिर पिस्टल देखने को मिलेगा। वेयर एज जो हमारे मस्टर्ड होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं नेचर के अंदर, मतलब इनके पास दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेमिन भी और पिस्टल भी। जो पिस्टल होता है ये क्या होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, एक आप देखोगे कि ओवरी होती है और एक बीच में पाइप जैसा दिख रहा है आपको, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइल। यहाँ पर, यहाँ से ही हमारे जो पोलन ग्रेन वगैरह हैं वो ट्रैवल करते हैं इसके अंदर से ही और वो ओवरी तक पहुँच पाते हैं। जो ओवरी होती है, ओवरी के पास क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स आप देखोगे तो ओव्यूल्स ऐसे समझ सकते हो कि पार्टीशन टाइप समझ सकते हो या एक बैग टाइप समझ सकते हो, जिसके अंदर जो हमारा बेबी है, जो बेबी फ्लावर है वो उगने वाला है, ग्रो करने वाला है। जो स्टेमिन होते हैं, स्टेमिन क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमिन को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये कंटेन करता है एंथर को। एंथर जो है, एंथर कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स को जो कि जाकर फीमेल गैमेट्स के साथ मिल जाते हैं। यहीं पर मतलब एग सेल्स के साथ जाकर ये मिल जाएंगे और क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्लावर देखने को हमें मिलता है। अब जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, जब बिल्कुल आप ये बोल सकते हो कि बेबी बेबी फॉर्म हो रहा है, जो उसको हम लोग बोल देते हैं जायोट। बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टेज को तो हम लोग इसको बोलते हैं जायोट। तो जायोट का फॉर्मेशन होता है और ये जो दोनों, मतलब फीमेल वाले पार्ट से पोलन मिलना और जो हमारा मेल वाला पार्ट था उसका मिलना, इन दोनों के मिलने को हम लोग क्या बोल देते हैं, देखो सिंपली इन दोनों के मिलने को हम लोग बोल देते हैं फ्यूजन। तो ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है फ्यूजन। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस था, मतलब एक जगह से पोलन का दूसरी जगह पर जाना, कहाँ से, हमारे एंथर से कहाँ तक जाना, स्टिग्मा तक जाना, इस वाले पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलनाइजेशन। सर आसान सी डेफिनेशन दे दो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू फ्रॉम वन स्टिग्मा टू अनदर इज कॉल्ड पोलनाइजेशन। एक स्टिग्मा से दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलनाइजेशन। सिंपल। तो पोलनाइजेशन का प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दो टाइप के पोलनाइजेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोगैमी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा होता है, देखो कुछ भी नहीं होता, जब जैसे एक फ्लावर है ब्लू कलर का और दूसरा फ्लावर भी ब्लू कलर का है, तो ये जो ब्लू कलर का फ्लावर है इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर जाकर चिपक जाते हैं, स्टिग्मा पे, कौन से, एक और दूसरे ब्लू फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो इस वाले प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, सिंपल सेल्फ पोलिनेशन। मतलब सेम ही फ्लावर्स हैं, अलग अलग फ्लावर नहीं है, तो सेम ही वैरायटी का हमें नया प्लांट भी उगता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर चीज़ क्लियर है। एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है, मान लो एक हमारा ब्लू कलर का फ्लावर था, ब्लू कलर का जो फ्लावर था उसके जो पोलेंस थे, मतलब जो मेल वाले पोलेंस थे, आपको तो पता ही है पोलेंस जब उड़ के जाते हैं दूसरे फ्लावर के पास तभी जाकर एक नया फीमेल वाले पार्ट के पास तभी जाकर एक नया प्लांट बन पाता है। तो हमारा जो ब्लू कलर का फ्लावर था, ये समझो जस्ट ब्लू कलर का फ्लावर था, उससे पोलेंस उड़ते हुए कहाँ पर गए, कहाँ पर गए, फीमेल वाले पार्ट के पास। अब ये जो फीमेल वाला पार्ट था यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर के पास चले गए ये गलती से पोलेंस। तो इसी वाले प्रोसेस को पूरे को हमने बोल दिया है क्रॉस पोलिनाइजेशन। मतलब ब्लू कलर का जो पार्ट था उसका, ब्लू कलर के फ्लावर के पार्ट, मेल पार्ट, रेड कलर के जो फ्लावर था उसके फीमेल पार्ट के साथ जाकर कंबाइन हो गए और एक नया बेबी फॉर्म हो गया। तो जो न्यू फ्लावर होगा वो कुछ यूनिक ही टाइप का होगा, क्योंकि उसके पास दोनों की क्या होंगी, क्वालिटीज़ होंगी, ब्लू वाले की भी और रेड वाले की भी। फाइनली जब इतना कुछ हो जाता है तब हमें देखने को मिलता है
कि जो हमारा छोटा सा जायोट था अब वो एम्ब्रियो के अंदर बन रहा है, और एम्ब्रियो के अंदर बनते 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 धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है और एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर बदल जाता है। यहीं पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसी एम्ब्रियो के अंदर सीड भी फॉर्म हो रहा होता है। सीड मतलब कि बीज जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसी सीड से दूसरा फ्लावर या दूसरा प्लांट भी उगाया जा सकता है। हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो फ्लावर है या फिर ये जो प्लांट है ये पूरा धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है और फिर हमें एक नया फ्लावर या प्लांट देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। अब हम समझने वाले हैं कैसे होता है रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर। जो ह्यूमन्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। जब गर्ल्स और बॉयज सर्टेन एज के हो जाते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं जिसे प्यूबर्टी, तब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, और इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे क्या? भारी आवाज़ हो जाती है, आर्मपिट्स मतलब कि बगल जो होती है हमारे हाथ के जो पास वाली जगह होती है यहाँ पर भी हमें हेयर्स देखने को दिखते हैं, जेनिटल रीजन्स पे भी हेयर आने लग जाते हैं, मेल्स के पास भी और फीमेल्स के पास भी। गर्ल्स जो हैं उनकी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है उनकी टिप ऑफ द निपल पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि हमारे बॉयज़ का अगर आप नोटिस करोगे तो उनके फेस पर क्या फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब कि दाढ़ी आने लग जाती है, दाढ़ी आने लग जाती है और आवाज़ भी बदल जाती है। आवाज़ तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसी आवाज़ हो जाती है लड़कों की जब वो प्यूबर्टी की एज में आते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। अभी मैंने आपके सामने आपकी बुक का ही डायग्राम खोला है, इसे स्टडी करते हैं। तो देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज स्क्रोटम, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर क्या होता है, हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन और भी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्ट्रॉन वगैरह उसका प्रोडक्शन, मतलब ये क्या करती हैं टेस्टोस्ट्रॉन और हमारे स्पर्म्स वगैरह को बनाते हैं। अब ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों होते हैं? ओनली रीज़न इज जिससे कि इनका टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, गर्म ना रहे ये, तो इस वजह से ये हमारी बॉडी से बाहर होते हैं। इनके अंदर ही एक पाइप कनेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस वाला पाइप होता है ये कहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाता है? ये जाता है हमारे यूरिथ्रा के अंदर ही। यूरिथ्रा के अंदर ही? हाँ, यूरिथ्रा के अंदर ही। यूरिथ्रा के थ्रू ही हमारी यूरिन भी पास होती है और हमारे स्पर्म्स भी पास होते हैं, मतलब एक ही जगह से दो काम हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि दिस इज़ ब्लैडर जहाँ पर यूरिन स्टोर होती है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि दोनों ही क्या होता है, दोनों ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं, मतलब जो हमारा ब्लैडर है वो भी पास हो सके इधर से और इधर से हमारे स्पर्म्स भी पास हो सके, एक ही सेम पैसेज रहता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब कब स्पर्म की एंट्री होनी है, कब हमारी यूरिन की एंट्री करवानी है, मतलब यूरिन को जाने देना है, कब स्पर्म को जाने देना है, इस चीज़ का मतलब आप ये देखोगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत बड़ा इस चीज़ के अंदर रोल प्ले करता है। वैसे तो ये एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करने में भी हेल्प करता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर हैंग हो रहा है टेस्टिस के अबव, सो दिस इज़ कॉल्ड पीनिस, जो बाहर वाला ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पाइप है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ से स्पर्म भी पास होते हैं और यूरिन भी पास होती है मेल्स के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओवरीज होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये होती हैं हमारी ओवरीज। आप देख रहे हो कितनी ओवरीज दिख रही हैं आपको, टू ओवरीज। तो यहाँ पर टू ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और ये जो ओवरीज से एक पाइप टाइप कनेक्टेड है, ये जो पाइप टाइप कनेक्टेड है इसे ही हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब।
अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, ये हमारा यूट्रस होता है। ये जो थिक आपको लाइनिंग टाइप दिख रही है, इतनी मोटी सी लाइनिंग दिख रही है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। इसके बाद सर्विक्स। सर्विक्स में क्या होता है, यहाँ पर ये एंट्री समझ लीजिए आप। दिस गिव्स एंट्री टू ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब्स तक आपकी एंट्री हो पाती है यहाँ पर सर्विक्स के पास से ही। और ये क्या होता है हमारा वजाइना। वजाइना क्या होता है, एक पैसेज टाइप होता है, एक रास्ता टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्पर्म एंटर करते हैं, तो स्पर्म एंटर करने के बाद थ्रू वजाइना ऐसे मूव करते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मूव करने के बाद ये आगे जाते जाते हैं तो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब या फिर हम लोग ओविडक्ट के थ्रू ओवरी तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर इंडिया के अंदर फीमेल्स प्रेग्नेंट इस वजह से नहीं हो पाती, बिकॉज उनकी फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। या तो ये जो पैसेज है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर इस वजह से ही फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो जैसे ही स्पर्म ओवरी तक पहुँचता है, ओवरी तक पहुँचने के बाद क्या हो जाता है, हमारा स्पर्म वहाँ पर धीरे धीरे करके जायोट के अंदर फॉर्म हो जाता है। आगे का और भी प्रोसेस हम लोग डिटेल में समझते हैं बच्चों। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें बुक के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। तो या तो जो फीमेल एग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं साइंस में, ओवा बोलते हैं। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ओवरीज के अंदर। तो ये जो ओवा का पूरा फॉर्मेशन होता है, इसके बाद ये जो ओवरी होती है ये प्रोड्यूस करती है फीमेल हार्मोन्स को भी, जैसे क्या स्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है हमारी ओवरी, और स्ट्रोजन भी। ये हार्मोन्स किस काम आते हैं, ये हार्मोन्स काम आते हैं फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के, और प्रेगनेंसी के भी काम आते हैं ये लोग। मतलब इन्हीं की वजह से प्रेगनेंसी और फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो पाता है। जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये कैरी करती हैं ओवा को फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो दो ओविडक्ट हमने देखा था ऊपर डायग्राम के अंदर, तो ऐसे ही ये जो दो ओविडक्ट होते हैं ये ज्वाइन करते हैं और इनसे फॉर्म होता है यूट्रस। और यूट्रस कहाँ पर ओपन होता है, यूट्रस ओपन होता है सर्विक्स। सर्विक्स के बाद फिर हमारा क्या आता है, वजाइना आता है। तो वहाँ पर जाकर हमारा यूट्रस तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको वजाइना, देन फिर सर्विक्स, उसके बाद आप यूट्रस में पहुंच पाते हैं। और यूट्रस किसकी वजह से फॉर्म हो रखा होता है, यूट्रस फॉर्म होता है जब ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स क्या करते हैं, जॉइंट होते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो ओविडक्ट होता है ये फॉर्म होता है, और इसी को हम लोग यूट्रस भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जो स्पर्म है वो एंटर करता है फीमेल वजाइना के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। देन ये जो स्पर्म होता है ये रीच करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जहाँ पर ये फ्यूज़ होता है, और क्या चीज़ फॉर्म होती है, जायोट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। और यही पूरे प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन और ह्यूमन बींग्स में भी फर्टिलाइजेशन ही बोलेंगे इस प्रोसेस को। तो ये जो जायोट होता है धीरे धीरे करके बड़ा होता है, बड़ा होता है, और किसके अंदर बन जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। ये जो एम्ब्रियो है ये क्या होता है, यूट्रस के अंदर, वहीं पर यूट्रस के अंदर ही ग्रो करता रहता है। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि ये एम्ब्रियो धीरे 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 करके बड़ा हो गया, और किसके अंदर डेवलप हो गया, एक फीटस के अंदर। फीटस क्या होता है, अपनी थोड़ी सी, मतलब छोटी फॉर्म मान लो आप अपनी। एक तो बिल्कुल जो इनिशियल डेवलपमेंट वाली स्टेज थी उसे हमने जायोट बोला है, मतलब बिल्कुल ही स्टार्ट करा है। और फीटस में मतलब आपको नोटिस कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर जो करता है ना पेट पे मशीन लगा कर, दैट इज़ कॉल्ड, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर फिर आपको लोग नोटिस कर सकते हैं, पेट के अंदर आपकी मम्मा नोटिस कर पाएंगे आपको, जब आप एक फीटस के अंदर डेवलप हो जाएंगे। जो मदर है, अब एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग के अंदर आता है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर आखिर बच्चे के पास खाना पानी कैसे पहुँचता है, बेचारा माँ के पेट में 9 महीने तक भूखा रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बेबी होता है उसके स्टमक पे, मतलब पेट पर आप देखोगे तो एक ऐसी कॉर्ड कनेक्टेड होती है, ये देखो इस टाइप की कॉर्ड कनेक्टेड रहती है। अगर आप इस कॉर्ड को देखोगे तो ये जो कॉर्ड होती है इसका काम क्या होता है, बेबी तक फूड पहुंचाना। ये जो कॉर्ड आप देख रहे हो, इस कॉर्ड का काम यही होता है कि बेबी तक फूड पहुंचाना, मतलब बच्चे तक खाना पहुंचाना किसी भी तरीके से। और इसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा।
तो ये जो प्लेसेंटा होती है किससे कनेक्टेड होती है, हमारे फीटस से। अभी हम बच्चे को फीटस ही बोलेंगे क्योंकि अभी बहुत छोटा है वो, तो फीटस से कनेक्टेड होती है और प्लेसेंटा की वजह से ही न्यूट्रिशन हो गया, गैसेस हो गई और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भी हो गया, जैसे बच्चा पॉटी वॉटी तो करेगा नहीं उधर, जो भी पॉटी वॉटी होती है ये प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो मतलब पूरा जो बच्चे का खाने पीने का इंतजाम है, गैसेस वगैरह का, मतलब ऑक्सीजन वगैरह उसके अंदर कैसे जाएगी आएगी, वो सब प्लेसेंटा का काम होता है। और जो धीरे धीरे करके बच्चा डेवलप होता रहता है अपनी मदर की वूम के अंदर और लगभग 9 महीने के अंदर एक बेबी ग्रो कर पाता है। फिर रिदमिक यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी डिलीवर हो जाता है फीमेल की बॉडी से आउटसाइड में और हमें छोटा सा बेबी देखने को मिलता है 9 महीने बाद। अगर यहीं पर हम लोग अपोजिट केस लें, मान लो कि बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और एग फर्टिलाइज नहीं हो रहे, तब क्या होता है, ये जो यूट्रिन लाइनिंग होती है ये शेड होती है और इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है मेंसुरेशनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ये डिस्चार्ज होता है, मतलब ये बॉडी से निकलता है और इसके निकलने के साथ साथ हमें देखने को मिलता है, ये वजाइना से निकलता है और इसके निकलने के साथ साथ हमें देखने को मिलता है ब्लड और म्यूकस। ब्लड और म्यूकस मतलब कि कुछ आपको ब्लड के थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा कलेक्टेड पार्ट होता है ब्लड का, हाँ कुछ इसी टाइप का आप समझिए, और ब्लड भी, तो ये म्यूकस और ब्लड हमें निकलता हुआ वहाँ से देखने को मिलता है और इसी को हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली यही होता है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो शेड हुआ जो हमारी यूट्रिन लाइनिंग थी, और शेड होने की वजह से कुछ मेंसुरेशनल फ्लूड कलेक्ट हुए, उनके कलेक्ट होने के बाद वो डिस्चार्ज हुए, मतलब वो बॉडी से निकल गए फिर वो कलेक्ट होने के बाद, और उसी के साथ साथ हमारा ब्लड और म्यूकस भी हमें निकलता हुआ दिखता है। ये जो पूरा मेंसुरेशन वाला प्रोसेस है ये थोड़ा सा पेनफुल होता है फीमेल्स के लिए और एवरी मंथ आपकी जो मदर हो गई, आपकी जो सिस्टर हो गई, वो इस पेन को सहती हैं और ये लगभग 2 से 8 दिन तक प्रोसेस पूरा चलता है। सोचो कितना लंबा प्रोसेस होता है। तो एवरी मंथ आपकी सिस्टर को, आपकी मदर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अभी हमें पता चला कि कैसे एक बेबी प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। मेल्स के पार्ट के बारे में स्टडी करा हमने, फीमेल्स के पार्ट के बारे में स्टडी करा। अगर कहीं पे भी आप कंफ्यूज होते हो तो एक बार रिपीट करके वीडियो को ज़रूर देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें बुक के अंदर यही बताया गया है कि सेफ सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनसेफ सेक्स करने की वजह से बहुत सारी डिफरेंट डिसीजेज हो जाती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। इसी के साथ अगर आप सुनोगे तो एक बहुत ही कॉमन बात होगी जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे अब इस बात को सुन के कि आखिर सेफ सेक्स क्या, मतलब कि आप कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं सो दैट इज़ सेफ सेक्स, बॉडी के पार्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे और आप अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हो कंटिन्यूसली, तो उन सब चीज़ों से पता चल जाती है बीमारियों के बारे में। सो यू शुड नेवर गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्स अनटिल एंड अनलेस यू नो अबाउट योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकती है, हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं STD, बहुत खतरनाक बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जैसे क्या, एक गोनोरिया क्या होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी, सिफिलिस ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है, और सबसे खतरनाक जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी हो जाता है हमें, और ये किससे होता है, HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से। तो अभी तो आपको पता ही है कि वायरस ने कितनी वाट लगाई थी पूरी दुनिया की, तो आप समझ ही सकते हो कि एड्स कितना खतरनाक वायरस होता है, मतलब इसका तो आप ये समझो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं लगभग, और बहुत ही खतरनाक डिसीज़ है। तो इस वजह से हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब एक और कुछ जो सिंपल सा क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग के अंदर कि सर जैसा आपने एक वो पैसेज वाला बताया था कि अगर मान लो कोई फीमेल है जिस तक स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा उसके ओवम तक, तो क्या करा जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं IVF का मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF के अंदर क्या होता है, जो एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा फीमेल की बॉडी के अंदर, तो हम उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं उस एग को, और क्या करते हैं हम लोग स्पर्म आउटसाइड, मतलब जो भी फादर का स्पर्म होता है वो उसके साथ क्या कराते हैं, उसके कॉन्टैक्ट के अंदर लेकर आते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बाहर आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं। ये जो ओवम है जब फीमेल बॉडी से रिमूव करा जाता है और फिर मेल के साथ जब इसको कनेक्ट करा जाता है मेल स्पर्म्स के साथ, तब ये फर्टिलाइज हो जाता है और हमें क्या देखने को मिलता है, एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो अब इसको रखा ऐसी कंडीशन के अंदर जाता है, एक ऐसी मशीन के अंदर रखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं
इनवेट्रो कंडीशंस के अंदर इसको रखा जाता है और फिर इसी तरीके से बेबी आउटसाइड द बॉडी भी प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर कुछ हमें बर्थ कंट्रोल के मेथड्स भी बताए गए हैं, जैसे आप सेक्स तो करना चाहते हो बट यू डोंट वॉन्ट अ बेबी, तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारी जो कंट्री है इंडिया जैसी, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, हमें बच्चे ही बच्चे देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से हमें बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में बुक के अंदर एजुकेट करा गया है, जैसे कॉन्डम्स हो गई, तो कॉन्डम्स जो होती हैं आप डायग्राम के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें उनके थ्रू स्टडी कर सकते हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल हो पाता है। इनकी वजह से जो स्पर्म है वो ओवम तक नहीं मिल पाता और कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है, फिर उसको आप रिमूव करके थ्रो कर सकते हैं। तो एक कॉन्डम हो गई। दूसरा है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड क्या हो गया, केमिकल मेथड के अंदर फीमेल्स को जनरली दवाइयाँ दे दी जाती हैं, जैसे ओरल पिल्स हो गई, वेजिनल पिल्स हो गई, इन सबको दे दिया जाता है जिससे कि बेबी प्रोड्यूस ना हो, कुछ हार्मोन्स के अंदर उनकी बॉडी के अंदर चेंज आ जाए और बेबी प्रोड्यूस ना हो पाए। इसी के साथ कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज़ करा जाता है जिससे कि जो एम्ब्रियो है यूट्रस तक ना पहुँच पाए, हमारा क्या नहीं पहुँच पाए, हम लोगों का स्पर्म ना पहुँच पाए। जैसे कि एक हम लोग देखते हैं कॉपर टी, जिसे बोलते हैं हम लोग कॉपर टी, हमने यूजुअली सुना होगा, आपने बुक के अंदर भी इसका एग्जांपल देखा होगा। ये क्या होता है, जनरली जो पैसेज होता है, मतलब जो रास्ता होता है, देखो हमने देखा था ना डायग्राम के अंदर कि ये जो पैसेज था, दो मिनट, हाँ जी, ये जो पैसेज था, इस पैसेज को कैसे भी अगर हम लोग ब्लॉक कर दें तो यहाँ तक, इसके आगे तो फिर हमारा वो पहुँच ही नहीं पाएगा, स्पर्म पहुँच ही नहीं पाएगा, और स्पर्म नहीं पहुँचेगा तो क्या ओवरी के अंदर बेबी प्रोड्यूस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे सर, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, कॉपर टी, जनरली हमें कॉपर टी का इम्प्लीमेशन होते हुए दिखता है। और दूसरा है सर्जिकल मेथड, जैसे वैसेक्टमी होगी मेल्स के अंदर, तो मेल्स के अंदर वैसेक्टमी का मतलब क्या हो गया, ये जो आप ये जो पाइप देख रहे हैं, दिस वास्ट डिफेंस जिसको आप बोलते हैं, इसी को अगर हम लोग कट कर दें या फिर सर्जिकली डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको ही हटा दे या काट दे, तो क्या होगा, हमारा स्पर्म रीच ही नहीं कर पाएगा फीमेल तक। तो यहाँ पर भी एक दूसरा एक मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसेक्टमी क्या होता है, वास डिफरेंस को कट करके होता है, ये जो मैंने आपको बताया जैसा मेथड। इसी के साथ साथ इसको टाई अप भी कर दिया जाता है फिर फर्दर। तो यहीं पर हमारा जो ये पूरा चैप्टर है, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। स्टूडेंट्स, जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा वो बता दिया है। अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को समझते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू कि आपके 95% तो आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ कमेंट भी करें अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें क्योंकि इनको बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मनु से ज्ञान लेते रहो, और भी साइंस के ऐसे वीडियोस हैं चैनल के ऊपर, उन्हें भी देखो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।